अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज मैं बना रही हूँ चने अंडे। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगे। चने अंडे के लिए सबसे पहले हमें ये सब चीज़ें चाहिए होंगी। धो के भिगो दिए थे थोड़ा सा सोडा डालकर। अब मैं दोबारा इसे चनों को धोकर, अब देखें चने मैंने धो लिए, ये धुलकर ही देखें धो लिए। चने का साइज़ ये छोटा, इतना छोटा साइज़ था, ये वो वाले चने नहीं है जो मोटे वाले होते हैं, ये छोटे वाले देसी चने थे। ये रात भर भीगे हुए थे, देखें कितने ज़्यादा ये मोटे हो गए हैं। ये बड़े वाले मोटे वाले चने लग रहे हैं लेकिन, बट ये मोटे चने नहीं है, उसमें टेस्ट नहीं होता। मैं यूज़ करती हूँ छोटे वाले देसी चने, ये वो चने। अब जो है मैं इसे बॉयल करूँगी। अब बॉयल करने के लिए आपको जितना मतलब पानी वन टाइम एक ही दफ़ा में पानी ड्रेस में रखना है, इसमें ये गल जाए। अगर आप दोबारा पानी ऐड करेंगे तो चने जो हैं वो नहीं गलेंगे सही तरीके से, और फिर ठंडा पानी ऐड होने की वजह से वो ख़राब हो जाएंगे। मतलब जितने गले होंगे उतने ही गलेंगे, मज़ीद पानी ऐड करने की वजह से वो मज़ीद नहीं गलेंगे। और फिर आप अगर सोडा पकाते हुए डालेंगे तो इसका टेस्ट अजीब सा हो जाएगा चने का, फिर वो फिर भी अच्छे नहीं लगेंगे, अजीब से हो जाते हैं खारे खारे से। तो इसलिए सोडा जो है आप रात को भिगोने के वक्त ही डालें, फिर उसे धो लें चनों को। फिर जब आप बॉयल कर रहे हो तो इसमें कुछ भी नहीं डालेगा, जस्ट पानी और चने। नमक तक नहीं, नमक भी नहीं डलता। नमक भी अगर आप डालेंगे तो चने बहुत देर में गलेंगे, और वो जिस तरह का चने गलने चाहिए बिल्कुल मुलायम से, उस तरीके के नहीं गलेंगे, और वो थोड़े सख्त और अजीब से रहेंगे। तो इसलिए आप सिर्फ पानी और चने ये आप रख दें चूल्हे पर बॉयल होने के लिए। तकरीबन 2 से 3 घंटे में ये अच्छे से बॉयल हो जाएंगे। देखेंगे मेरे चने जो हैं अब गल गए हैं बिल्कुल, तकरीबन ये बिल्कुल देखें बिल्कुल गल गए हैं। बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, गल गए हैं। इसमें नमक नहीं ऐड किया, पकाते हुए ऐड करूँगी। बिल्कुल गल चुके हैं, सिर्फ 2 घंटे में तैयार हो गए गल कर। 2 घंटे भी नहीं हुए, तकरीबन 1.5 घंटा हुआ होगा, लेकिन अच्छे से गल गए हैं। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा रेसिपी को। अंडे चने बनाने के लिए मुझे जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें जो स्पाइस हैं उसके लिए मुझे नमक चाहिए, और ये लाल मिर्च है, ये हल्दी, पिसा हुआ धनिया, अजवाइन, बादियान का फूल, और ये है मस्टर्ड सीड्स हैं, और ये जो है सूखी मेथी है, ये कड़ी पत्ते हैं, ये ज़ीरा है, और ये पिसा हुआ गरम मसाला, ये साबुत लाल मिर्च, ये जो है सूखे सारे स्पाइस हैं। और मुझे चाहिए होगी लाल मसूर की दाल, अदरक, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्च और हरा धनिया। ये सब चीज़ें मुझे अंडे चने बनाने के लिए चाहिए होंगी। चने मेरे बॉयल हो चुके हैं और अंडे जो है वो बॉयल हो रहे हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ आगे। मैंने आपको सब स्पाइस दिखा दिए। अब मैं सबसे पहले कढ़ाई में तेल डालूँगी, थोड़ा सा तेल डालकर अब मैं इसमें ऐड करूँगी बादियान का फूल, ज़ीरा, कड़ी पत्ता, साबुत लाल मिर्च, उसके बाद ये लाल मिर्च पिसी हुई, हल्दी और ये पिसा हुआ धनिया। इन सब मैंने इसमें ऐड कर दिया। नमक जो है मैं लास्ट में डालूंगी, और फिर मैं इसमें डालूंगी ये राई के बीज, ठीक है। फिर मैं थोड़ी सी इसमें डालूंगी अजवाइन, थोड़ा सा मैं भूनूंगी, थोड़े से कलर चेंज हो जाए लाल मिर्च का।
डालने के बाद और मैं इसमें ऐड कर दूंगी टमाटर और पिसा हुआ लहसुन अदरक। और टमाटर मैंने पीस लिया था, ब्लेंड कर लिया था, अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब ये मसाला भून जाएगा, फिर इसके बाद मैं दिखाती हूँ क्या करना है। इसको अच्छी तरह मसाले को भूनेंगे। अब देखिए मेरा जो है मसाला, ये मसाला भुन चुका है, तेल ऊपर आ गया है। अब मैंने नमक इसमें ऐड नहीं किया और नमक अभी इस स्टेज पे ऐड नहीं करना। नमक अभी थोड़ी देर में ऐड करेंगे, मैं बताऊँगी आपको। अब मैंने जो मसूर की दाल आपको दिखाई थी वो मैंने भिगो दी थी, वो भीग गई है, तो मैंने धो लिया है। और अब मैं इसे इस मसाले में ऐड कर दूँगी इसे। इसमें डालकर अब मैं इसमें डालूंगी पानी और इसको पकने के लिए 10 मिनट के लिए मैं इसे छोड़ दूंगी। मैं तो पानी ऐड करके अब मैं इसे पकने के लिए थोड़ी स्लो आंच पर 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी ताकि ये दाल जो है वो गल जाए। आप कह रहे होंगे मैं तो कह रही हूँ अंडे चने बना रही हूँ, ये मसूर की दाल दिखा रही हूँ, तो आपको आगे देखिएगा किस तरह से क्या प्रोसीजर है। ये देखिए दाल जो है वो गल चुकी है और ये मैंने इसको बिल्कुल मैश कर लिया। ये देखिए ये गल चुकी है, मैंने मैश कर ली बिल्कुल, ठीक है। इसको बिल्कुल मैश कर लेना है दाल को ना, कि पता नहीं चले कि हमने दाल इसमें ऐड की है। ये जो मैं रेसिपी आपको बता रही हूँ ये शेफ साकिर की रेसिपी है, उनसे ही मैंने ये सीखे हैं इतना बनाना। शेफ साकिर जो है उनके जितने भी खाने आप ट्राई कर लें परफेक्ट बनते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। मैंने उनसे बहुत सारी डिशेस सीखी हैं और जब जब जो जो बनाई है सब बहुत ज़्यादा मज़े की बनती हैं और बहुत ज़्यादा एक्यूरेट बनती हैं। और बाकी आप किसी भी शेफ़ का यूज़ करो तो इतना ख़ास कोई वो नहीं होता, लेकिन शेफ जाकिर बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। देखिए अब दाल मेरी हो गई है, अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक, नमक और पिसा हुआ गरम मसाला और सूखी मेथी अब हम इसमें ऐड कर देंगे। डाल दिया इसमें नमक, सूखी मेथी और पिसा हुआ गरम मसाला, अब मैंने इसमें ऐड कर दिया ये सब कुछ। अब मैं इसमें ऐड करूंगी चने, मैंने अब इसमें चने ऐड कर दिए। अब चने ऐड हो गए इसमें, कितना प्यारा सा अच्छा सा कलर आ रहा है। अब चने ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी पानी। देखिए इसमें इतना पानी ऐड करूंगी कि चने और ये मिलके आपस में अच्छा सा टेक्सचर बन जाए इसका। अब ये मैं तकरीबन 15 मिनट तक पकाऊंगी इसको, फिर इसके बाद मैं इसमें आगे प्रोसेस करूंगी। अभी मैं इसको 15 मिनट तक पकाऊंगी। देखिए 10 मिनट गुजर चुके हैं और ये इस तरह से चने मेरे हो गए तैयार। अब मैंने एग जो है वो बॉईल कर लिए थे और ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। मेरे एग जो है वो ऐड हो गए। अब मैं इसमें डालूंगी, मैं देखें, हरी मिर्च, अदरक और हरा धनिया। हरी मिर्च मैं बहुत शौक से खाती हूँ ज़्यादा, तो इसलिए मैं ज़्यादा ही डालती हूँ। और हरी मिर्च को हमेशा, अगर आप चाहते हैं कि सालन में हरी मिर्च तेज़ ना हो बच्चों की वजह से, तो आप हरी मिर्च का जो टॉप है उसकी डंडी जो होती है वो कभी नहीं तोड़ें, डंडी समेत डालेंगे अगर हरी मिर्च को तो वो कभी भी मतलब सालन को तेज़ नहीं करेगी। जब आप खाएँगे तो आप भी तेज़ लगेगी तोड़कर, लेकिन हरी मिर्च इस तरह डालने से आपका सालन कभी
ज़्यादा मिर्चों वाला नहीं होगा। अभी हरी मिर्च मैंने ऐड कर दी और अदरक और ये सब ऐड कर दिया मैंने। थोड़ा सा मैं पानी डालूँगी ताकि मेरे अंडे और ये सब चीज़ें थोड़ा सा बस ये आप मेरा सिर्फ 2 मिनट में दम पे रखूँगी और मज़ेदार सा मेरा अंडे चने तैयार। और अगर आपको मेरे ये डिश पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि मैं आगे भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस बना के डालती रहूँ। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।